दोस्तों अगर आप एक ऐसी कंपनी के ओनर हैं या आप एक अकाउंटेंट हो और आप एक ऐसी कंपनी की अकाउंट मेंटेन कर रहे हो जहां पर अब 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी बन चुकी है आपकी कंपनी के ऊपर, तो अब ई इनवॉइस को लेके आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे भी, हम ई इनवॉइस को अगर नहीं बनाते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी, अगर ई इनवॉइस को अगर हम गलत बनाते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी, क्या अगर हमारे से इनवॉइस गलत बन गया तो हम इनवॉइस को डिलीट कर सकते हैं या उस इनवॉइस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर होंगे। बस इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, आपके माइंड में जो भी ये इस तरीके के बेसिक पॉइंट अगर माइंड में है तो वो सारे कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना होगा, कोई भी स्टेप आपको इस वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हम सारी बातें हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे भी किस कंडीशन के अंदर आपको कौन कौन सी पेनल्टी लग सकती है और ई इनवॉइस बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान में भी रखना जरूरी है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट नंबर एक पर हम बात करते हैं भी ई इनवॉइस ना बनाने की कंडीशन के अंदर आपको क्या पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने रूल के अंदर ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हो तो आपके ऊपर जितना उस इनवॉइस के अंदर टैक्स की अमाउंट है उस टैक्स की अमाउंट का 100% यानी कि टैक्स के बराबर की पेनल्टी या फिर 10,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और सेकेंड बात अगर कहते हैं भी अगर आपने ई इनवॉइस को गलत बनाया है और उस कंडीशन के अंदर आपके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक फर्स्ट इनवॉइस बनाया है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की मान लीजिए 50,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल जो प्रोडक्ट है आपका 5%, 12%, 18%, 28% कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस टैक्स के दौरान मान लीजिए आपकी टैक्स की अमाउंट है 9,000 रुपए बनती है, चाहे वो CGST SGST को मिला के हो चाहे वो IGST की सिंगल अमाउंट हो। तो अब इस कंडीशन के अंदर आपका फर्स्ट इनवॉइस की कंडीशन के अंदर 9,000 रुपए का टोटल टैक्स बनता है CGST और SGST को जोड़ने के बाद में। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अब आपकी कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 रुपए की लगेगी, क्योंकि जो आपका टैक्स या 10,000 उसमें से जो भी ज्यादा रहेगा, तो 10,000 रुपए ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो पेनल्टी है वो 10,000 रुपए की लगेगी। अगर हम इसी एग्जाम्पल को सेकेंड देखते हैं, मान लीजिए आपने एक ऐसा इनवॉइस किया है उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू है 1,50,000 रुपए का और टैक्स की अमाउंट बनती है 27,000 रुपए की, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर अब आपके ऊपर जो पेनल्टी वो 10,000 की नहीं लगेगी, वो 27,000 रुपए की लगेगी, यानी कि जितना टैक्स उसका 100% उसके बराबर में या फिर 10,000 दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा उसके ऊपर लगेगी। तो पहले इनवॉइस के कंडीशन के अंदर टैक्स की अमाउंट 10,000 से कम है तो 10,000 की पेनल्टी, यहां पर आपकी टैक्स की अमाउंट पेनल्टी से ज्यादा 10,000 से ज्यादा की है तो इस कंडीशन के अंदर आपको 27,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की भी क्या हम ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों ई इनवॉइस को कैंसिल आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है भी आप ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने इनवॉइस के अंदर कोई मिस्टेक कर दी, कोई अमाउंट के अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उस कंडीशन के अंदर आपको क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट के अगेंस्ट के अंदर आपको इसका समाधान करना पड़ेगा और उस कंडीशन के अंदर भी आपको इनवॉइस है जो बनाना पड़ेगा। अगर आप इनवॉइस को डिलीट करते हो तो आपको नए नंबर के साथ में आप उसको मॉडिफाई नहीं करोगे, आप उसको कैंसिल कर सकते हो और उसको दोबारा जनरेट कर सकते हो एक नए नंबर के साथ में। तो अब ये कंडीशन तो थी पहली हमारी, अगर आप ई इनवॉइस है जो नहीं बनाते हो तो। और इनकरेक्ट का मतलब क्या हो गया, गलत बना दिया। अब गलत की परिभाषा यहां पर क्या हो रही है भी, गलत की परिभाषा होने का मतलब हो गया भी जितनी भी हमारी जरूरी सूचना यानी कि जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन हमारी होती है इनवॉइस के अंदर देने की, जैसा कि मान लीजिए आपने QR कोड नहीं लगाया या जो हमारा IRN नंबर होता है ई इनवॉइस के दौरान जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है वो अगर आपका इनवॉइस के ऊपर नहीं लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो इनवॉइस है वो इनवैलिड माना जाएगा। यानी कि जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है ई इनवॉइस बनाने के लिए वो अगर आपके इनवॉइस के ऊपर नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो अधिकारी लोग है वो आपके इनवॉइस को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं और इनवैलिड अगर आपको घोषित कर सकती है तो उस कंडीशन में 25,000 रुपए की पेनल्टी है। अब हम बात करते हैं भी अगर ई इनवॉइस आप कितने दिनों तक बना सकते हो। मान लीजिए आपने कोई इनवॉइस है वो 1 अगस्त 2023 को अपने रजिस्टर्ड पर्सन को इशू कर दिया, ठीक है। अब उसका अंदर आपको टाइम लिमिट मिलती है 7 डेज की, यानी कि आपको 7 दिनों के अंदर अंदर
आपको उस इनवॉइस का ई इनवॉइस है जो पोर्टल के ऊपर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 7 डेज का टाइम आपको मिल सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है, अगर ई इनवॉइस अगर आप नहीं बनाते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या नुकसान हो सकता है आपके बिजनेस को। तो सबसे बड़ा जो नुकसान ये होगा कि आपने जो भी इनवॉइस इशू किया है उस इनवॉइस के ऊपर आपने टैक्स लगाया है। मान लीजिए अगर हम इस इनवॉइस की बात करते हैं, कोई इनवॉइस हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है। अब इस कंडीशन के अंदर जो आपका कस्टमर है यानी कि जो आपका परचेजर है जिसने आपसे गुड्स परचेज किया है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको ITC क्लेम का वो दावा नहीं कर सकता अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया। तो अब ई इनवॉइस जनरेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका जो जैसे ही आप ई इनवॉइस को जनरेट कर देते हो तो आपके GSTR 1 के अंदर वो सेल ऑटोमेटिक है जो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। और जो आपका कस्टमर है जब वो अपने पोर्टल पे GSTR 2B को ओपन करेगा तो 2B के अंदर आपकी जो सेल है वो उसके अकाउंट के अंदर एज ए परचेज के रूप के अंदर दिखनी शो हो जाएगी और जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है उसका वो जो ITC है आपके कस्टमर को आसानी से मिल जाएगा। तो ये है आपका ई इनवॉइस बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट। अगर आप नहीं बनाते हो तो आपके कस्टमर को इसका ITC का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और इसका नुकसान सीधा सीधा आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर को ITC का क्लेम नहीं देते हो तो आपसे कोई भी गुड्स है जो परचेज नहीं करेगा। तो आपकी धीरे धीरे आपके बिजनेस के ऊपर भी इसका इफेक्ट है जो जरूर पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपको, आप चाहे डायरेक्ट पोर्टल से बना रहे हो चाहे आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बना रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है वे प्रॉपर आपका इनवॉइस नंबर सही हो और सही सीरीज के साथ हो, प्रॉपर आपकी जितनी भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर का प्रॉपर सही नाम हो, उसका GST नंबर सही हो, उसका एड्रेस सही हो और आप जहाँ पर उसको Shift 2 का कर रहे हो उसका एड्रेस प्रॉपर सही हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जितनी इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर फीडिंग कर दोगे तो आपका ई इनवॉइस है जो ऑटोमेटिकली सही बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपका कस्टमर होगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ITC को क्लेम करने के अंदर। हाँ, अगर आप ई इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हो तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपने उसका ईवे बिल भी साथ बनाया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपको ईवे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर पाओगे। अगर आपने ई इनवॉइस को ईवे बिल को कैंसिल नहीं किया तो आप ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है आप ईवे बिल को पहले कैंसिल करें, उसके बाद में ई इनवॉइस कैंसिल होगा। और उसके बाद में जैसे ही आप अपना कोई नया ई इनवॉइस बनाओगे तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपका जो इनवॉइस की जो सीरीज का जो बिल नंबर है, इनवॉइस टैक्स इनवॉइस का नंबर है, वो भी आपका चेंज होगा। ऐसा नहीं है भी आपने जो पहले मान लीजिए आपने 5 नंबर इनवॉइस का ई इनवॉइस बना दिया और वो इनवॉइस आपने डिलीट कर दिया तो आप उस सेम इनवॉइस का आप दोबारा ई इनवॉइस है जो नहीं बना पाओगे। आपको वो अपने बुक्स के अंदर उसको इनवॉइस को भी कैंसिल दिखाना पड़ेगा, बाद में आपको नया आगे वक्त की सीरीज का इनवॉइस नंबर लगाना होगा और उसी इनवॉइस नंबर के आधार पर आपका नया ई इनवॉइस और ईवी बिल जो जनरेट होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके जो माइंड के अंदर जो बेसिक कंफ्यूजन है वो सारे जरूर दूर हो गए होंगे। हम धीरे धीरे आगे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आते रहेंगे उसके अंदर जो इसके ज्यादा और जो ई इनवॉइस को लेके जो टेक्निकल बातें हैं उसके अंदर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसके ऊपर हम कंटिन्यू नए नए वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना।